Hey guys, मैं मुस्कान और मेरे साथ है आज रितिका और आज हम जिस मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करेंगे उसका नाम है अजहर। वो मोहम्मद अजहरुद्दीन 6000 रन टेस्ट मैच में 9000 वनडे रन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन। रिसेंटली उनका फर्स्ट टीजर लॉन्च हुआ और टीजर आने से पहले मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे पता था कि इस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें बेस्ड है और बहुत कुछ इसके साथ हुआ है, कहीं शादियाँ हुई है, कहीं बच्चे हुए हैं, कि मैच फिक्सिंग में फंसे गए हैं, इनके साथ बहुत कुछ है। तुम्हें पता है इन सब चीज़ के बारे में? नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता था। तो टीजर वन आने के पहले हाँ, मुझे एक चीज़ से मैं फेमिलियर थी ट्रेलर में, जो संगीता नाम से, हाँ संगीता बिजलानी जो श्रीदेव में, कुछ आइडिया नहीं है। राइट राइट। लेकिन फर्स्ट टीजर आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि क्योंकि जो ये प्लेयर रहे हैं मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे हैं हमेशा से वो, हालांकि फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे लेकिन वो सब के अलावा। फर्स्ट टीजर का पहला डायलॉग जो पहला डायलॉग था वो क्या था, वो मुझे भी समझा थी कि मैं तीन चीज़ों के लिए फेमस हूँ, जिनमें से पहली चीज़ क्या थी, खुदा में मानता हूँ, दूसरी शादी की हुई है और तीसरी चीज क्या थी, मैच फिक्सिंग। और मैच फिक्सिंग के लिए, लेकिन शादी के लिए कोई कैसे फेमस होता है, शादी तो सबकी हुई है। लेकिन ये तीन चीजों के लिए माना जाता है, इसका मतलब क्या है, शादी के लिए क्यों माना जाता है बंदा? और सबसे दूसरी चीज, ट्रेलर देखते ही मैं समझ गया कि ये किसकी प्रोड्यूस बाय मूवी है, ये एकता कपूर और शोभा कपूर। ओह यस, बालाजी टेलीफिल्म। इतना ऑब्वियस था क्योंकि हर चीज जो इस ट्रेलर में एकदम मेडअप लग रहा था, ऐसा था कि कोई मैं सीरियल ही देख रहा हूँ क्योंकि सास भी बहुत ही एंट्री हो रही है जैसे तुलसी स्टेडियम में एंट्री मार रही है वैसा ऐसा ही लगा। और ऊपर से उसकी मूंछ देखी है टीजर में इतनी नकली मूंछ थी, समझे, एक तो मूंछ नकली, ऊपर से कपड़े भी इतने पपलू टाइप थे और वो स्टेडियम में जो बंदे कूद रहे थे उसके ऊपर एक बंदे ने उसका कॉलर पकड़ लिया फाड़ने के लिए। वैसे मुझे लग रहा है कि ये नकली होगा, कोई ड्रीम सीक्वेंस होगा वैसे लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी अगर असल में है तो बहुत ही बकवास सीन था ये। मतलब मुझे इतना नहीं आइडिया है अजहरुद्दीन की लाइफ के बारे में, और अगर मैं एज एन इंडियन अगर ये देखना चाहूँगी कि हाँ अजहरुद्दीन बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर था लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी में फंसा और ये सब ये सब, पर मुझे नहीं पता कि मुझे इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब रियली बहुत ही ड्रामेटाइज लग रहा था, फर्स्ट डायलॉग ही ट्रेलर का इतना ज़्यादा ड्रामेटिक था कि उसके बाद आई वॉज काइंड ऑफ टेकन अबैक कि मेरे को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो सबसे मेन बात है कि इस टीजर के आते ही जिस मूवी का ट्रेलर आया वो है MS धोनी का, नीरज पांडे की पिक्चर जिन्होंने पहले वेनेसडे की है या फिर बेबी हो गई, जो भी इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्म की, उनसे ये उम्मीद थी कि भी स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी है तो कैसा बनाएंगे कैसी बनाएंगे। लेकिन जो MS धोनी का जो फर्स्ट ट्रेलर था सुशांत सिंह राजपूत की जो पिक्चर है वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही तगड़ा, खासकर पीछे जो ऑनकोर चल रहा था लोगों का, क्राउड का, और पूरा जो बिल्डअप है, ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया कि कलेक्टर थे, टिकट कलेक्टर थे और कैसे रूट से स्टार्ट हुआ है उनका लाइफ जर्नी पूरी, जो भी थोड़ा बहुत हमें उस ट्रेलर में बताया गया उस हिसाब से वो मूवी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगी कंपेयर टू ये वाला जो टीज़र। फिर भी टीज़र असाइड, जब ट्रेलर परसों आया, ये दो तीन दिन पहले जब ट्रेलर आया तो मैं फिर भी थोड़ा ब्लैंक माइंड से था कि मैं चलो कुछ तो अच्छा रहेगा कम से कम। हाँ, मतलब इसमें इतना कुछ ऐसा नहीं कहोगे तुम कि कुछ डिफरेंट कुछ देखने को मिलेगा, एज इन एक तो सीरियल वाली बंदी वो हमेशा लेते हैं एकता कपूर और वो प्राची देसाई को, पूरा ऐसा लग रहा है कि एक क्रिकेटर की लाइफ बना दी है और इमरान हाशमी को वही जन्नत वाला कैरेक्टर बना दिया है, वो सेम गैम्बलिंग टाइप का, कुछ कैसीनोज में जा रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है और इंडिया में कमी स्पोर्ट्स की मूवीज अच्छी अच्छी बनी है, उसमें से बहुत सारी ऐसी पिक्चर जैसे इकबाल हो गई, चक दे इंडिया हो गया जो बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, और अपना इरफान खान की जो पिक्चर थी पान सिंह तोमर, राइट, बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी, इरफान खान ने इतनी तगड़ी एक्टिंग की है उसमें। लेकिन इन सब के बावजूद मतलब इन सब में भी रिसर्च वर्क अच्छा किया, इकबाल में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था नहीं किया था, लेकिन वो सब असाइड मूवी में जो कंटेंट था, एक्टिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छी थी। लेकिन जो हमारे जो इंडियन डायरेक्टर्स हैं
जो मतलब प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी स्क्रिप्ट राइटर हमारे हैं उनको कम से कम मूवी बनाने के पहले छोटी छोटी चीज़ों पे तो कम से कम कुछ ना कुछ रिसर्च तो करना ही चाहिए एटलीस्ट कि स्पोर्ट्स की बेस्ड मूवी है थोड़ा तो आप रिसर्च डालो कि सीन थोड़े रियलिस्टिक लगे खासकर आप जब स्टेडियम के सीन बना रहे हैं या फिर कोई और चीज़ क्रिकेट के शॉर्ट्स बना रहे हो पीछे तुमने 10 पैर खड़े किए हो सारे पपलू एक भी क्रिकेटर लग रहा नहीं है और ऊपर से तुम स्टेडियम का सीक्वेंस इतना बकवास बना रहे हो तो वो किसी एंगल से अजरुद्दीन लग रहा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग अजरुद्दीन इतने साल से देखते आ रहे हैं, जैसे तुमने अजरुद्दीन को उतना फॉलो नहीं किया होगा जितना हमने किया है, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने जो क्रिकेट ज़्यादा फॉलो नहीं करते या जिन्होंने अजरुद्दीन को ज़्यादा नहीं देखा है उनके लिए फिर भी ठीक है कि इमरान हाशमी एज अजरुद्दीन देखना हजम करना थोड़ा फिर भी नहीं पर फिर अजरुद्दीन को नहीं जानते हो और आप इमरान हाशमी को जानते हो तो आप इमरान हाशमी को ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे ना मूवी में, आप उसको अजरुद्दीन की तरह ले ही नहीं पाओगे। अब बिल्कुल तो अब अभी इस वक्त क्या हो रहा है, इमरान हाशमी ही लग रहा है, वो अजरुद्दीन नहीं लग रहा है। वही तो मेन बात, अब जो लोग एक्चुअल में अजरुद्दीन को जानते हैं वो शायद इमरान हाशमी में अजरुद्दीन तब भी देख पाए, लेकिन जो लोग नहीं इतना फॉलो कर चुके हैं अजरुद्दीन को वो इमरान हाशमी और उन्होंने मूवी भी एक तरह जैसे बनाई है, ऐसा लग रहा है कि इमरान हाशमी की लाइफ पे बेस्ड जो सीरियल की सर टाइम वाली उनकी इमेज है वैसा ही लग रहा है। और अब एक तो मेन चीज़ है कि आप मतलब कम से कम उनका मेकअप वगैरह सीजीआई इफेक्ट, आजकल सीजीआई इफेक्ट तो आप समझ सकते हैं कि हॉलीवुड से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बॉलीवुड फिर भी बहुत सारी लास्ट मूवी आई है बाहुबली टाइप जितने भी जिसमें VFX और ये सब इस्तेमाल किए गए हैं अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के इस्तेमाल किए, लगते हैं कि हॉलीवुड लेवल वाले हैं। जो इस मूवी के भी जो CGI या फिर VFX जो इफेक्ट्स हैं जो सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही नकली लग रहे हैं, खासकर स्टेडियम के इसकी सीन हो गए या फिर जो वहाँ पे खड़ा है जो क्रिकेट के जो सीन हो गए हैं जो उन्होंने वहाँ पे बताए हैं वो सब भी बहुत ज़्यादा नकली लग रहे हैं। या तो बिल्कुल VFX डालो ही मत, या तो डाल रहे हो तो फिर उसको रियलिस्टिक लुक दो, या तो रियलिस्टिक लुक दो राइट, उतना करके एफर्ट करके या तो नॉर्मली तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ, ये बात भी सही है, यहाँ तो VFX बिल्कुल ही मत डालो। इकबाल में कौन था VFX? हाँ वही, कोई VFX नहीं। और ये बिल्कुल इकबाल में भी उन्होंने पूरी मूवी में, चक दे इंडिया में भी अगर कोई VFX कुछ भी नहीं है, उन्होंने अगर रियलिस्टिक लाना था तो उन्होंने कितने तो एक्चुअल सीन रिकॉर्ड किया, कितने हॉकी प्लेयर्स को लिया है सीन रिकॉर्ड किए हैं, लग रहा है कि एक्चुअल में कोई मैच चल रहा है कुछ चल रहा है। अगर आप उस लेवल में अगर आप नहीं कर सकते VFX एंड ऑल तो आप ये कर लो, उसमें कोई तो ऐसा लगना चाहिए चलो इमरान हाशमी नहीं लग रहा तो उसके आसपास की सराउंडिंग तो लगनी चाहिए क्रिकेट की सराउंडिंग है। और इतने सारे आपने इतने सारे मूवी में अच्छे अच्छे एक्टर भी ले लिए हैं, पीछे आपने वॉइस ओवर दे दिया कुलभूषण खरबंदा का, और कम से कम थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल करना चाहिए हर एक चीज़ का। और ऊपर से सबसे बेस्ट तो जो संगीता बिजलानी की जो जिन एक्ट्रेस ने प्ले किया है रोल उसकी एंट्री पे नरगिस फाकरी ने, उनका ऊपर से जो एंट्री पे उनने वो डाल दिया त्रिदेव का ओए ओए सबसे मतलब अरे यार आप तो या तो स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बना लो, थोड़ी पैशनेट बना है, मालूम है कि ये बंदे की लाइफ थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही है मैं मान सकता हूँ, लेकिन कम से कम उसके ऊपर आप बिल्कुल ही कैसनोवा इमेज में डाल दो ना, ये बंदा जाता है ये पक्का कैसनोवा है, एक नंबर गैम्बलर है, गैम्बलर वाली हरकतें हैं इसकी। ये ट्रेलर के हिसाब से तो मैं ये पिक्चर नहीं देखना चाहूंगा, शायद फिर भी अजरुद्दीन की खातिर एक बार कि इतने बढ़िया तगड़े क्रिकेटर रहे हैं, मुझे लगता है अगर अजरुद्दीन की खातिर तो पिक्चर बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए इससे अच्छा आप यूट्यूब पे जाके अजरुद्दीन गूगल करके उनके वीडियोस देख लें। इस मूवी में सिर्फ एक ही चीज़ है, एंटरटेनमेंट। आपने सब गाने भी डाल दिए हैं, सिंगिंग सीक्वेंस भी बना दिए डांसिंग वाले, साथ में आपने उनको नचवा भी दिया ना। ये ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे अजरुद्दीन के बारे में और जानना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये ट्रेलर बहुत ही अलग सा इम्प्रेशन दे रहा है। तो आप लोगों के हिसाब से कि ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, आप प्लीज़ कमेंट डालिए इसके ऊपर, और मूवी के ट्रेलर का हम रिव्यू करें, कोई और न्यू मूवी आ रही है जिसका हम रिव्यू करें तो प्लीज़ ये सब इन्फॉर्मेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मेंटल फैमिली के लिए जिसके ऊपर हम और गैग्स प्रैंक्स बहुत सारी और चीज़ें भी करते रहते हैं, और हम धीरे धीरे हम रिव्यू में भी जाना चाहते हैं। थैंक्स रितिका ये ट्रेलर के लिए हमारे साथ रहने के लिए, और ऑलराइट गाइस बाय बाय।